हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं रैपिड रिवीजन एंड रैंक बूस्टर प्रोग्राम। क्वालिटी की क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड के वन एंड के टू आर द टू वैल्यूज ऑफ के फॉर विच दिस इक्वेशन ऑफ रूट्स आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, आपसे पूछा गया है। इस इक्वेशन को प्रॉपर पहले फॉर्म में लिख लेता हूँ तो क्या लिखा हुआ है, के एक्स स्क्वेयर माइनस के एक्स, तो फिर हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो हो गया 1 माइनस के एक्स हो गया, प्लस 5 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। अब हम लोगों को गिवन है इस इक्वेशन के दो रूट हैं, एक अल्फा और एक बीटा। मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स के फंडे से माइनस बी बाई ए, तो के माइनस 1 डिवाइड बाई के हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट के फंडे से अल्फा बीटा सी बाई ए क्या हो जाएगा, 5 बाई के हो जाएगा। अब हम लोगों को रिलेशन दिया हुआ है, मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा अल्फा स्क्वेयर बीटा स्क्वेयर किसके इक्वल दिया हुआ है, 4/5 के इक्वल दिया हुआ है। इस अल्फा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 4/5 के इक्वल दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन के आएगा, मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू हमने पुट करी तो हमारे पास बन गया के स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2 के डिवाइडेड बाई के स्क्वेयर इंटू 2 था तो ये 10/k हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5/k हो जाएगा, इक्वल टू 4/5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, एलसीएम ले लिया, सोल्व कर लिया तो हमारे पास बन के आ गया ये के स्क्वेयर माइनस 16k प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन एक क्वाड्रेटिक बन के आगे जिसके दो रूट आएंगे के वन और एक के टू, तो के वन प्लस के टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट से के वन और के टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब मुझे क्या निकालना है, के वन डिवाइड बाई के टू डिवाइड बाई के टू प्लस के वन निकालना था, तो सेम मैंने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया के वन के टू, के वन के टू, ये आ गया के वन का स्क्वेयर प्लस के टू का स्क्वेयर। इसको क्या लिख सकता हूँ, के वन प्लस के टू का होल स्क्वेयर माइनस 2 के वन के टू डिवाइडेड बाई के वन के टू। यस, इसका स्क्वेयर हमारे पास कितना हो जाएगा, के वन के टू का स्क्वेयर हो जाएगा हमारे पास 16 का स्क्वेयर 256 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, तो हमारा फाइनली आंसर कितना आ गया, 254। नोट कर लीजिए आप लोग, आराम से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को गिवन है, ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी रियल नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बी फॉर विच द इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स। यस, इस इक्वेशन के अनइक्वल रियल रूट आने चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट मैं पॉजिटिव कर देता हूँ क्योंकि किसी इक्वेशन के अनइक्वल रियल रूट आने की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट उसका पॉजिटिव होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए सी हमारे पास क्या है, ए माइनस बी प्लस 8, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सोल्व कर लिया, 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी माइनस ए प्लस बी माइनस 8, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको ए स्क्वेयर में एक रिलेशन बना लिया, ए स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक बनाई तो ए स्क्वेयर हो गया प्लस ए मैंने बाहर निकाल लिया, ये हो गया 2b-1 प्लस बी स्क्वेयर 2b-1, और ये हमारे पास बन के आया प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी माइनस 8 ग्रेटर देन 0। यस, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव आ रही है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। और किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आने का मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा रहा होगा, उसका नेगेटिव रहा होगा, तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव कर देते हैं, तो 2b-1 का होल स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ए वन सी बी स्क्वेयर प्लस बी माइनस 8 कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। ओपन किया तो ये हमारे पास आ गया 4b² प्लस 1 प्लस माइनस 4b माइनस 4b माइनस 4b प्लस 32 लेस देन 0, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया माइनस 8b प्लस 33 कैसा रहा होगा, नेगेटिव रहा होगा। 8b कैसा रहा होगा हमारे पास,
इस -33 गया होगा मैंने, माइनस इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, 8b > 33 आ जाएगा और बी कैसा आ जाएगा, > 33/8। यस, आपसे पूछा है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यू हमेशा 4 point something आने वाली है, उस नंबर से बढ़ाने वाला है, तो सबसे छोटा नंबर कितना आने वाला है इस इंटरवल में, 5 आने वाला है। और इंटीग्रल नंबर पूछा आपसे, नेचुरल नंबर पूछा है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 5 आ जाएगी। समझ गए आप लोग, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास गिवन है कि इक्वेशन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्म लाइक दिस एंड दिस हैव ए कॉमन रूट, दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट ही निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x² + bx + ca = 0। यहाँ से आएगा x² + cx + ab = 0। दोनों को माइनस कर दिया आप लोगों ने, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b - cx हो जाएगा। यस, इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, ab - क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। यस, यहाँ से a कॉमन आ गया तो b - c हो गया, x हो गया b - c, कैंसिल आउट, तो x = a आ गया। तो हमारे पास कॉमन रूट क्या आ गया, a आ गया। बोलो आया क्या समझ में, दोनों का कॉमन रूट हमारे पास a आ चुका है। अब आगे बात कर लेते हैं, अगर दोनों का कॉमन रूट a है तो फर्स्ट वाली इक्वेशन की मैं बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखी हुई है, x² + bx + ca, इस इक्वेशन के दो रूट होंगे, एक रूट a होगा तो दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट से c होगा, और x² + cx + ab लिखा हुआ है, अगर इसका एक रूट a है तो दूसरा रूट b होगा। अब हमसे पूछा है कि जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन जो इन दोनों अनकॉमन रूट से जो इक्वेशन बनेगी, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, तो दोनों के दूसरे रूट कौन से आ गए हमारे पास, c और b से मैं इक्वेशन बनाता हूँ। c और b से इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे बोलना, यस, c और b से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, तो x² - sum of roots, सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, b + cx, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों की प्रोडक्ट क्या आ जाएगी, bc = 0। अब मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात कर लेते हैं, फर्स्ट वाली इक्वेशन का एक रूट ए है, अगर इसका एक रूट ए है तो इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करा देता हूँ, तो ये हो जाएगा a² + ab + ac = 0। यस, ए से डिवाइड कर दिया तो a + b + c = 0 आ गया, तो b + c को मैं कितना लिख सकता हूँ, -a लिख सकता हूँ क्या, अब मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो x² - ax हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, bx + c = 0। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो दोनों इक्वेशन के दूसरे जो अनकॉमन रूट्स हैं उससे जो इक्वेशन बन के आएगी, यही वाली होगी क्या, बिल्कुल यही वाली होगी। यस, आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में मुझे ये इक्वेशन दोनों में कुछ ऑलमोस्ट सेम नज़र आ रहा है, मैं क्या कर लेता हूँ, x² + 18x + 45 को मैंने y अज्यूम कर लिया है, तो ये मेरे पास कितना बन के आ जाएगा, y - 15 बन के आ जाएगा, ये 2√y लिखा हुआ है। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया तो ये y² हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा, -30y हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y, y² - 34y + 225 = 0। यस, फैक्टराइज किया तो y - 25 हो जाएगा, और एक हो जाएगा y - 9 = 0, तो y = 25 या y = 9। अब हम लोग बात कर लेते हैं y = 25 के केस में, ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है x² + 18x + 45 y = 25, तो ये हो जाएगा x² + 18x + 20 = 0। ये सब इसकी बात कर लेते हैं सेकंड वाले केस की, ये लिखा हुआ है x² + 18x + 45 y = 9, ये बन जाएगा x² + 18x + 36 = 0। यस, इसके रियल रूट नहीं आएंगे, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला केस पॉसिबल है। आपसे क्या पूछा था, इस इक्वेशन के जो प्रोडक्ट रियल रूट आएंगे उनकी प्रोडक्ट क्या होगी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c / a होती है क्या, तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा क्या,
नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा है गिवन है। इसमें एक बार ना कैपिटल स्मॉल ए बी को मैं कैपिटल ए लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को मैंने वाई के इक्वल मान लिया और मैं रेंज निकाल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी रेंज गिवन है, बट मैं फिर भी रेंज निकाल रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या बन के आएगा, आप देखिएगा, एक्स स्क्वेयर वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस थ्री वाई, फिर इस एक साथ इसको इधर भी लेके आ गए तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस बी। मैंने एक्स स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक बना ली तो बन गया वाई माइनस वन प्लस एक्स हो गया, ये हो गया टू वाई माइनस ए प्लस थ्री वाई माइनस बी इक्वल टू जीरो। मैंने क्या किया है, एक्स स्क्वेयर में क्वाड्रेटिक बना ली है। रियल वैल्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं इसलिए इसके डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, यानी टू वाई माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस बी को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। करते हैं सोल्व इसको, क्या बन के आएगा, ये बन के आएगा फोर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस फोर ए वाई। ठीक है जी, माइनस फोर बाहर, इन दोनों की मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा थ्री वाई स्क्वेयर माइनस बी वाई माइनस थ्री वाई प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको कंप्लीट मैंने मल्टीप्लाई करके मैं सोल्व करके लिख रहा हूँ, ये हमारे पास बन के आ गया माइनस एट वाई स्क्वेयर प्लस वाई, ये बन के आ गया फोर बी प्लस ट्वेल्व माइनस फोर ए प्लस ए स्क्वेयर माइनस फोर बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। माइनस एट से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया वाई स्क्वेयर प्लस वाई, ये हो गया फोर बी प्लस ट्वेल्व माइनस फोर ए डिवाइडेड बाई माइनस एट प्लस ए स्क्वेयर माइनस फोर बी डिवाइडेड बाई माइनस एट लेस देन इक्वल टू जीरो। यस, आपकी अगर इस क्वेश्चन में ए और बी वेरिएबल नहीं होते तो क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन की जब हम लोग रेंज निकालते हैं तो यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं, यही पैटर्न होता है। क्वेश्चन में सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करते हैं, उसके बाद हमारा वाई में इनक्वालिटी बन जाती है और वही हमारा आंसर होता है। बट यहाँ पर हम लोगों ने वाई में इनक्वालिटी तो बना दी है बट ए और बी अननोन वेरिएबल आने से यहाँ पर आंसर नहीं आया। यस, अगर ये इनक्वालिटी लेस देन साइन होती है तो हमारा दो नंबर के बीच में एक फाइनल आंसर आ जाता है, वही हम लोगों को गिवन है। इसने गिवन है कि ये इसका आंसर माइनस फाइव से फोर है। कंपेयर करते हैं, ये एक्चुअली ऐसा, अगर ए और बी नहीं होता तो हमारा ये ऐसा बनता, बेसिकली ये हमारा ऐसा बनता वाई स्क्वेयर प्लस वाई माइनस ट्वेंटी लेस देन जीरो अगर ए और बी नहीं होता। तो मैंने कंपेयर कर लिया, कंपेयर किया तो लेस देन जीरो होता, फोर बी प्लस ट्वेल्व माइनस फोर ए डिवाइड बाई माइनस एट को वन के इक्वल होना पड़ेगा और ए स्क्वेयर माइनस फोर बी डिवाइड बाई माइनस एट को माइनस ट्वेंटी के इक्वल होना पड़ेगा। सोल्व कर लिया, यहाँ से इक्वेशन आ गई ए बी इज इक्वल टू फाइव। एक वैल्यू उठाकर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर रख दी, ये हमारे पास आ चुका है ए स्क्वेयर माइनस फोर बी इज इक्वल टू 160 आ गया। ए की वैल्यू मैंने पुट करी तो हमारे पास कितना गया, 5 प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस फोर बी इज इक्वल टू 160। सोल्व किया तो बी ए की वैल्यू, और ये तो हमारे बी में क्वालिटी आएगी तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सिमिलरली बी की वैल्यू आने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 14 और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। आपसे पूछा था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो कितना हो जाएगा 196 और ये हो जाएगा 81, तो फाइनल आंसर अपना कितना हो जाएगा 277। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप सोल्व कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। एक्चुअली कैसे लिखा हुआ है एक बार देखना है इस ध्यान से इसको, ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स, एक्स की पावर सिक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर सिक्स, मैंने टू को अंदर ले लिया है,
ये लिखा हुआ है 1/x³ प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x³। इस ऊपर वाले को देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x⁶ माइनस x³ प्लस 1/x² डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x³ प्लस x³ प्लस 1/x³। ऊपर वाली टर्म को देखिए आप, इस पर a प्लस बी और a माइनस बी वाला a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिखा हुआ है, इसको आप a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं। जब आप इस पर अप्लाई करेंगे तो क्या बन के आएगा वो मैं लिख रहा हूँ। ये बन के आएगा हमारे पास x प्लस 1/x³ माइनस x³ अपॉन 1/x³, और एक हमारे पास बन के आएगा x³ प्लस 1/³ प्लस x³ अपॉन 1/x³, और नीचे क्या चल रहा है इस पर, x प्लस 1/x³ प्लस x³ अपॉन 1/x³। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या बन के आएगा, x³ अपॉन 1/x³ प्लस 3 टाइम्स कट जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1/x माइनस x³ 1/x³। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये लिखा हुआ 3 टाइम्स x अपॉन 1/x। इस AMGM के अकॉर्डिंग ये नंबर हमेशा 2 से बड़ा आएगा, x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है, तो ये नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन 6 आएगा। मिनिमम वैल्यू पूछे तो मिनिमम वैल्यू कितनी आंसर आ जाएगा, 6 विल बी योर आंसर। नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, कि ए बी सी डी डिफरेंट डिफरेंट रियल नंबर हैं, ए बी फर्स्ट वाली इक्वेशन के रूट्स हैं और सी डी दूसरी वाली इक्वेशन के रूट्स हैं। आपसे पूछा गया है ए बी प्लस सी डी की वैल्यू क्या होगी। क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वाली इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, ए बी, तो सम ऑफ रूट्स की कंडीशन मैंने लगा दी, तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 2c के इक्वल आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन के सी डी रूट्स हैं, दोनों को सम कर दिया तो 2a के इक्वल आ जाएगा। कंप्लीट को ऐड कर दिया तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डी, ये किसके इक्वल बन के आ गया, 2 टाइम्स ए प्लस सी के इक्वल बन के आ गया। बोलो भाई आया क्या समझ में। आगे क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस बी कर दिया तो ये आ जाएगा ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी, 2c माइनस 2a, तो बी माइनस डी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3c माइनस 3a। आया क्या समझ में, मैंने दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर दिया है और एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट वाली इक्वेशन का रूट अगर a है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो ए स्क्वेयर माइनस 2ac माइनस 5d इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन में a पुट कर दिया है, दूसरी इक्वेशन में c पुट कर दिया है क्योंकि वो उसका रूट है, सेटिस्फाई करेगा, दोनों को माइनस भी कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाए, ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया ए स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 5 टाइम्स डी माइनस बी करके। नेक्स्ट पे कर रहा हूँ, तो ए स्क्वेयर सी के लिखा मैंने ए प्लस सी ए माइनस सी, और इधर हमारे पास आया था 5 टाइम डी माइनस बी करके। यस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी माइनस बी की वैल्यू मैंने थोड़ी देर पहले निकाली थी, तो उसको माइनस, वो हमारे पास बी माइनस डी की वैल्यू आई थी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो क्या हो जाएगी, सी माइनस ए हो जाएगी 3 टाइम्स करके। तो अब हमारे पास कैंसिल आउट हो गया है ए प्लस सी और ये लिखा हुआ ए माइनस सी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे माइनस के साथ, तो ए प्लस सी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 15। अब स्टार्टिंग में जब मैंने a प्लस बी प्लस सी डी को ऐड किया था तो मेरे पास 2a प्लस 2 टाइम 2c बन के आया था, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया a प्लस सी, ए प्लस सी की वैल्यू 15 है, तो आंसर बोलो कितना आ गया, 30। क्लियर है सबको, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट गिवन है कि fx कोई पॉलीनोमियल फंक्शन है जो इस क्वाड्रेटिक से भी डिवाइड हो जाता है और इस क्वाड्रेटिक से भी डिवाइड हो जाता है, ये सब आप समझिए। अगर कोई क्यूबिक फंक्शन दो क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 4 रूट तो नहीं आ सकते, कितने रूट आ सकते हैं, मैक्सिमम 3 रूट आ सकते हैं, तो दोनों का एक रूट, दोनों क्वाड्रेटिक का एक रूट कॉमन रहा होगा,
तो कॉमन रूट निकाल देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स बी इक्वल टू जीरो, एंड एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो, दोनों को मैंने माइनस कर दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी एक्स और ये हो जाएगा ए माइनस बी, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा। तो वन इसका कॉमन रूट है, वन कैसा रूट है इसका, कॉमन रूट है। अब मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन की बात कर लेता हूँ, ये लिखे हुए ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी, अगर इसका एक रूट वन है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिक बी होगा, और एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए की मैं बात करूँ तो अगर इसका एक रूट है ए है तो दूसरा रूट ए होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट के फंडे से बी आनी चाहिए, अगर एक रूट वन है तो दूसरा बी होगा, अगर एक रूट वन है तो दूसरा रूट ए होगा, तो मेरे पास रूट आ चुके हैं वन ए एंड बी। ऊपर वाले क्यूबिक इक्वेशन के मैं रूट्स बता सकता हूँ मेरे पास क्या गए हैं, वन ए और बी। अब मुझे सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ रूट निकालना है, बेसिकली मुझे वन का स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर मुझे निकालना है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स टेकन टू एट अ टाइम ए ए बी प्लस बी। समझ गए, क्लियर है कि सबको, यस आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज की मैं बात कर लेता हूँ। मेरे पास इक्वेशन गिवन है, क्या क्या गिवन है, इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस बी गिवन है, अगर इसका एक रूट वन है तो सेटिस्फाई करेगा वन प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास जो इक्वेशन बन के आई थी वन का स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को मैंने क्या लिखा था, वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस टू टाइम्स ए प्लस ए बी प्लस बी लिखा था, यस वन प्लस ए प्लस बी तो मैं जीरो बोल ही चुका हूँ, तो जीरो हो गया माइनस टू। अब स्टार्टिंग की जो इक्वेशन थी उसको देखिए, उसके तीन रूट है, एक वन एक ए एक बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट के फंडे से, यस उस इक्वेशन को मैं लिखता हूँ दोबारा ध्यान से देखिए, इक्वेशन क्या लिखी हुई थी, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस 72, इसके तीन रूट्स हैं वन ए बी, तीनों की मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस, तीनों की मल्टीप्लाई कितनी आने वाली है, माइनस आने वाली है, तो ए बी की तो वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस 72 आने वाली है। अब हमारे पास क्या बचा, ए प्लस बी बचा, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस 1 आने वाली है, तो हमारे पास माइनस 2 बाहर माइनस 73, तो फाइनल आंसर बोलो कितना आ गया, 146 आपका आंसर आ गया क्या, यस आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स बी पॉजिटिव रियल नंबर, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, यस आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वेयर प्लस टू माइनस, मैंने इसको क्या किया, एक्स स्क्वेयर माइनस टू का होल स्क्वेयर लिख दिया और प्लस फोर एक्स स्क्वेयर लिखा, आई थिंक बैलेंस है सब कुछ। आप क्या चाहते हैं, इसको मैक्सिमाइज करना, आप क्या चाहते हैं, इसको मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज कब होगा, जब ये वाली टर्म क्या होगी, मिनिमम होगी, मिनिमम होने के लिए किसी का स्क्वेयर तो क्या हो सकता है, हमेशा बड़ा ही होता चला जाएगा, बट आप इसको क्या कर दें, जीरो कर दें, ये मैक्सिमम, इट विल बी मैक्सिमम कब, जब एक्स स्क्वेयर माइनस टू जीरो हो जाए, यानी एक्स क्या हो जाए आपके पास, रूट टू हो जाए, तो जब एक्स के लिए रूट टू है तो हमारे पास कितना आंसर आ रहा है, टू प्लस टू माइनस, यस कितना हो जाएगा, रूट एट हो जाएगा, डिवाइड बाई हमारे पास रूट एट हो जाएगा, यस सोल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, फोर माइनस रूट एट अपॉन रूट एट, सोल्व कर लीजिए प्रॉपर, रूट टू से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा फोर रूट टू माइनस 16, तो 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 2, 2 से डिवाइड भी कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस 2, यही हम लोगों क्या है, फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि एक्स वाई बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, कैसा गिवन हम लोगों को, ग्रेटर देन जीरो गिवन है, और हम लोगों से इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, उसका एवरेज पूछा गया है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्योंकि एक्स को मैंने अज्यूम कर लिया आर कोस थीटा, वाई को मैंने अज्यूम कर लिया आर साइन थीटा, यस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 15 से 20 मिनट थ्योरी जरूर पढ़ें, क्योंकि अदरवाइज आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। मैंने पुट किया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर कितना होने वाला है, वन होने वाला है, आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा,
नीचे से आर स्क्वेयर हो जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। अगले वाला हो जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, पूरे क्वेश्चन से आर स्क्वेयर कॉमन आकर कैंसिल आउट हो गया है, ये हो गया अपने पास कोस स्क्वेयर, यस फोर है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फोर साइन स्क्वेयर थीटा। यस आर स्क्वेयर पूरे क्वेश्चन से कैंसिल आउट हो गया, कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा वन हो गया है, यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा है तो मैंने टू से मल्टीप्लाई एंड टू से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया साइन थीटा बाई टू हो गया है, और यहाँ पर मेरे पास एक साइन स्क्वेयर थीटा मैंने इसके साथ ले लिया था तो मेरे पास बच गया थ्री साइन स्क्वेयर थीटा, और उसको मैं लिख सकता हूँ कि वन माइनस कोस टू थीटा डिवाइड बाई टू। एलसीएम ले लिया है, एलसीएम लेने के पास मेरे पास बन के आ गया टू प्लस फाइव प्लस साइन टू थीटा माइनस थ्री कोस टू थीटा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके मैक्सिमम और मिनिमम की, तो ये तो ए कोस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा वाला केस है, तो इसकी अंडर रूट ऑफ इसकी रेंज कहाँ से होती है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस के साथ प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस के साथ इसकी रेंज होती है, तो हम लोगों ने लिखा तो ये हमारे पास माइनस रूट टेन से रूट टेन आ जाएगी। तो मैं इसकी बात करूँ तो टू अपॉन फाइव माइनस रूट टेन आ जाएगा, एक आ जाएगा टू अपॉन फाइव प्लस रूट टेन, एक हमारे पास मिनिमम वैल्यू और एक हमारे पास क्या है मैक्सिमम वैल्यू है। मुझे क्या निकालनी है, पहले एवरेज निकालनी है, एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, यस दोनों को एडिशन करके मुझे टू से डिवाइड करना होगा, तो दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ फाइव माइनस रूट टेन प्लस टू अपॉन फाइव प्लस 5 प्लस रूट टेन डिवाइड बाई टू, ठीक है जी, हम लोगों ने किया इसको तो ये हमारे पास बन के आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 25 माइनस 10 15 आ जाएगा, और ऊपर हमारे पास क्या बन के आएगा 2 पूरे क्वेश्चन से कॉमन आ रहा ऊपर से, ये हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस रूट टेन आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस रूट टेन आ जाएगा और 2 नीचे वाला आ जाएगा, इससे ये कैंसिल 10 अपॉन 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 2 अपॉन 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास ए आया है, लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन को पढ़िए लास्ट में क्या निकालना है, हम लोगों को फाइंड 2007 इंटू ए निकालना है, तो हम लोग क्या निकालते हैं 27 इंटू 2 बाई 3, 3 से कैंसिल आउट करते हैं इसको, ये आ जाएगा 669 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1338, समझ गए आप लोग। यस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट गिवन है कि पी एक्स के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके पॉजिटिव रियल कोफिशिएंट है जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करता है। अब आपको फंक्शन की 16 पर वैल्यू निकालनी है, यस कोई फंक्शन कैसा होगा, मान लीजिए पहले वाली क्वाड्रेटिक ऐसी है जिसका ए पॉजिटिव है, दूसरी वाली क्वाड्रेटिक की मैं बात करूँ तो दूसरी वाली क्वाड्रेटिक भी कुछ ऐसी है, तीसरी वाली जो क्वाड्रेटिक एफ एक्स वाली क्वाड्रेटिक है वो भी इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, मतलब तीनों का जो वर्टेक्स है मुझे कैसा दिख रहा है, तीनों का वर्टेक्स सेम दिख रहा है, बट मैं फर्स्ट का वर्टेक्स चेक करता हूँ तो वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर ए से मैंने वर्टेक्स चेक किया तो फर्स्ट का वर्टेक्स 1.1 आ रहा है, दूसरी इसका भी वर्टेक्स 1.1 आ रहा है, इसका मतलब एफ एक्स का भी वर्टेक्स 1.1 रहा होगा। अब ये तो पैराबोला लिखा हुआ क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म लिखी हुई है, तो इसकी आप स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं वो आप देखिए, ये कौन सी इक्वेशन है, यस तो पैराबोला जूम कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बन के आएगा वाई माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि उधर से क्या आएगा लैम्बडा टाइम्स एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बन के आएगा, इस पैराबोला की इक्वेशन यही तो थी ना भाई, वाई या फोर ए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर स्टैंडर्ड पैराबोला की, बट जब ये शिफ्टेड था तो हम लोगों ने क्या लिखा था एक्स माइनस जीरो लिखा हुआ था, फोर ए वाई माइनस जीरो लिखा हुआ था जब वर्टेक्स 0.0 था, इस पर वर्टेक्स कितना है 1.1 है। अब हम लोग क्या पुट करते हैं, जब इसमें 11 पुट करते हैं वाई को 11 पुट करते हैं तो हमें कितना मिलता है 181, तो पुट किया 181 माइनस 80 लैम्बडा इज इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, कैंसिल किया तो 9 बाई 5 की वैल्यू आ गई हमारे पास लैम्बडा की वैल्यू, अब पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ गया y माइनस 1 9 बाई 5 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर,
हम लोगों को किस पर वैल्यू निकालनी है, फंक्शन की 16 पर वैल्यू निकालनी है, 16 पर y की 16 पर वैल्यू निकालनी है, तो y हमने रखा इधर, या हम लोग इसको एफ ओफ एक्स बोल देते हैं, एफ ओफ एक्स फंक्शन की एफ एक्स का हमारे पास लिखा हुआ 9/5 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब मैं फंक्शन की 16 पर वैल्यू निकाल देता हूँ तो ये आएगी 9/5, 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 प्लस 1 हम लोगों ने किया, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया 5 पर प्लस 1 के, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 406। यस, लेक्चर 2 में बाकी क्वेश्चन हम लोग करेंगे।